अंग श्यामलिं छटाभिरं मंदिकेन्दीवरं जड्डं जागुदरोति संविदधतं पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्यनिवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेत् ध्यायेत्। माधुर्य कादम्बिनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पहले जितने आचार्य थे, जो तो आचार्य छिले हिंदी में बोले बंगला ठीक है, बंगला सबूत है। तो उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु के पूर्व में जितने आचार्य आए उन्होंने भगवत्ता का सार ऐश्वर्य बतलाया, किंतु महाप्रभु और उनके परिकरों ने कहा नहीं, क्रोड़ीभूत करते हुए ऐश्वर्य को भगवत्ता का सार माधुर्य है, क्रोड़ीभूत करके उसको। इस प्रकार से महाप्रभु का वैशिष्ट्य और चैतन्य चैतामृत कृष्णदास कविराज जी को स्वामी कह रहे हैं चैतन्य वतारे वह प्रेमामित बन्या, इसके पहले प्रेम की बन्या बाढ़ नहीं पहले आई थी। सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी है धन्या, हे बन्या जीना भाषे जे से जीव चार कोटि कल्प नहीं तहां था। कोटि कल्पों में ही चैतन्य महाप्रभु की धारा में आकर के यदि प्रेम में वह नहीं डूब गया, प्रेम नहीं प्राप्त करता उसका जीवन फिरता उथली तो प्रेम बन गया, प्रेम बन गया उठी नवदीप धाम से मायावादी भागे, कुछ भागे पुरी में गए, कुछ गए काशी में, किंतु बन्या उनको भी छोड़ी नहीं, खुद महाप्रभु बाढ़ ले करके गए और पुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि मायावादियों को डुबा दिया और बाकी रहा काशी में जो भाग करके गए महाप्रभु खुद गए प्रेम की बन्या लेकर के और प्रकाशानंद सहित हजारों 60,000 उनके शिष्यों को भी प्रेम बन्या में उनको भी भक्त बना दिया। इस तरह से ये महाप्रभु जी की कृपा यही है मेघमाला जो प्रेम की वर्षा करती है। श्री पापरे नव भक्ति शस्य वितते संजीवनी, महाप्रभु की जो ये कृपा है, आज देखो हजारों लाखों विदेशी भक्त भी भारतवर्ष में भी सर्वत्र, केवल बंगाली नहीं उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण में सभी देश, उत्तर भारत में पंजाब इत्यादि, काश्मीर जम्मू सभी, अमृतसर सभी जगह, आसाम में सर्वत्र वो बाढ़ आए। कृपा का दम्बिनी हृदय में के भूमि में नवोदित नौ रूप से उदित जो नौधा भक्ति है, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरण नौधा भक्ति, इसको जीवनी संचारित करती है। मेघमाला जल रूपी अमृत को बरसा करके धान इत्यादि सरसों का नवजीवन संचार करती है।
पृथ्वी में जो सस्य पड़े रहते हैं, धान के बीज, गेहूं के बीज और सब घास सबको संचरित करती है। किंतु एक बात है, इसमें उसमें पहले से कुछ बीज रहता है, वहां बीज नहीं रहने से वर्षा से नहीं होगा। किंतु महाप्रभु जी की कृपा ऐसी है कि बीज रहे नए बीज को उत्पन्न कर देती है। मेघमाला चैतन्य महाप्रभु की भक्ति संस्कारों की बीज मूल के सहित उसर हृदय में भी बो देती है। मायावादियों का हृदय उस तभी भक्ति वहां पर नया बीज दे करके अंकुरित करके उसे लता वृक्ष लगा करके उसमें फल फूल पैदा करती है। अर्थात प्रेम ये फल है, इसको प्रदान करती है। न भक्ति नवीन भक्ति अथवा नौथा भक्ति, यहां नवोदित कोमल भक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं इत्यादि। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवोदित भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति तार्वत सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम ले पाए। भजन में नौ प्रकार की भक्ति, उसमें पांच प्रकार की भक्ति और श्रेष्ठ साधु संग नाम कीर्तन भागवत समय मथुराबाद श्री मूर्ति श्रद्धा यही सकल पंचांग कृष्ण प्रेम जन्माई के पारे तिहार और फल प्रसंग अपराध रहित यदि हो तो ये पांच भक्ति इतनी प्रभावशाली हैं कि प्रेम उत्पन्न करते हैं। किंतु बस अपराध भाइयों, अपराध से बचो। अपराध किसी वैष्णव का चाहे जैसा भी है दुष्कृति भी है मत करो आलोचना। यदि सुधार सकते हैं सुधारो, संग मत करो किंतु उसकी चर्चा मत करो। यह नौधा भक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा रूपी माधुर्य मेघ माला से जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। उपरोक्त नौ प्रकार की भक्ति कृष्ण प्रेम को अभिभूत कराने के लिए और कृष्ण की सेवा करने के लिए महान सामर्थ्य रखती है। यही नौ नहीं और पांच जो कहा उसमें तीन शेष श्रवणम कीर्तनम स्मरण और उनमें क्रोड़ीभूत करके एक तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम सुन, इसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। और उस नाम में भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम चैतन्य महाप्रभु ने इस मंत्र को क्यों लिया? राधे कृष्ण करते हरे कृष्ण क्यों लिया? हरे कृष्ण में जो माधुर्य है वो राधे कृष्ण में माधुर्य नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, ये कितने जोड़े हुए? आठ जोड़े, सोलह नाम आठ जोड़ा। और आठ में हरे कृष्ण राधा कृष्ण का मिलन, हरे कृष्ण मिलन और कृष्णा कृष्णा यहां पर वियोग हो गया। कृष्ण अलग है, राधा जी अलग है। इसमें राधा जी ने कृष्णा कृष्णा हरे हरे और फिर हरे राम में मिलन है और राम राम हरे हरे इसमें वियोग है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हरि नाम अमृत भजन रहस्य में इन सब का भाव विवेचन। ये जो माधुर्य है ये राधा कृष्ण कहने में नहीं होगा, ये महाप्रभु इसी का आस्वादन करते थे गंभीरा में राय रमानंद और स्वरूप दामोदर के साथ। इसके माधुर्य को
हाँ वो दिए हैं माथुर जी पर व्याख्या दिया है। पूज्य चरण ग्रंथकार महोदय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लास में भर करके चैतन्य जी के कृपा का दंबनी को मेघमाला को का तीसरा प्रभाव वर्णन कर रहे हैं। विश्वापगो उल्लासिनी वर्षा काल में मेघमाला खना घोर बिस्ती से नद नदियां फट जाती है, चारों तरफ में वर्षा काल में पानी हो जाता है, चारों तरफ में कहां पानी है कहां गहरा है कहां नीचा है कहां ऊंचा है इसका सब विचार नहीं रखती, उसमें तरंगे उठने लगती हैं और उफनते हुए अपने जल से दोनों को किनारों को भर देती है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय उनकी कृपा महामाधुर्य कादंबिनी की वर्षा से, ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से प्रेम की वर्षा हुई, समस्त विश्व रूप नदियों में कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम की बाढ़। महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, जिसको देखा उसको कहा गुरु भैया तारो यही दे, कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण, और कार्य तुम जाकर के दूसरे जगहों में तुम लोग कृष्ण 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 कहना। इसी प्रकार से वो वहां फिर वहां से फिर उसको सुन करके वो दूसरे को कहा तीसरे को कहा, चारों तरफ ने बाढ़ आई। उसमें साक्षी जैविचारों भावों की प्रबल तरंगे उठने लगी, सारे विश्व के लोग उस प्रेम की बाढ़ में बहुत प्रबल वेग से अखिल रसामित सिंधु कृष्ण की ओर अग्रसर होने लगे। आज विश्व का ऐसा कोई भाग नहीं है जहां पर कि कृष्ण चैतन्य की चैतन्य महाप्रभु की कृपा की वर्षा नहीं हो। सर्वत्र स्वामी महाराज ने पहले प्रचार किया और उसके बाद में कृपा गुरु वैष्णव की कृपा से मैं जैसा भी व्यक्ति चारों तरफ में विश्व में 22 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली और ऐसी ऐसी विभूतियां सब आई प्रचार में हमारी सहायता कर रही हैं। यहां पर बैठे हुए लोग जो हैं ये साधारण नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े योग्य ये सब साधारण देखो एक ये बैठे हैं, इनको कोई नहीं जानता ना? ये हृदयों के विशेष कॉर्डिनेशन या जिससे और क्या क्या संस्कृत के विद्वान और बहुत तरह के योग्यता में है, ऐसे ही यहां पर सब रुस्तम छिपे हुए सब लोग हैं। कृष्ण ने कृपा करके इन लोगों को हमारे प्रचार में सहायता देने के लिए भेजा है देश से विदेश, इसलिए ये लोग प्रचार कर रहे हैं विश्व में और चैतन्य महाप्रभु कृपा उपलब्धि करके। मूल श्लोक के अंत में ग्रंथकार ने दीनहीन होकर महाप्रभु की अहेतु कृपा की प्रार्थना कर दुरान में मरु साखिनो अपी सरसी भूआ भूया, चैतन्य महाप्रभु की जो निरंकुश कृपा है जो महामाधुर्य कादंबिनी बहुत दूर से भी यहां पर वर्षा नहीं हो रही है, मैं मरुथल में पड़ा हुआ एक वृक्ष हूं, मरुथल में पड़ा हुआ मरुभूमि में और वहां पर पड़ा हुआ एक वृक्ष हूं और महाप्रभु की कृपा क्या कर रही है, जहां वहां तो वर्षा हो रही है और उसकी सुशीतल हवा से ही हमारे हृदय को सरसी हुआ है, हृदय को सरस संचार कर ऐसी कृपा। मरुथल में भाती मेरे निरस्त हृदय में
चिंता पूर्व अपने को निरस करें, निरस हृदय में सरसता का संचार करें। वर्षा कालीन मेघमाला पृथ्वी के समीप आकर के घनाघोर वर्षा करती है, मरुस्थल में उसी प्रकार से वर्षा नहीं होती। वहां मेघ का कोई टुकड़ा भी जदा कदार यू दूर से वर्षा करता है। चक्रवर्ती ठाकुर अत्यंत दीन भाव से महाप्रभु की कृपा का कंपनी की दूर से अपने के वृक्ष माना। उन्होंने प्रार्थना की, हे चैतन्य महाप्रभु की कृपा, तुम बड़ी प्रभावशाली हो, बहुत दूर आते हुए मुझ जैसे नीरस के हृदय में सरलता का संचार, महाप्रभु का प्रेम का संचार। कहू आदिवार दुई ओ गौरचंदय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। Therefore, now in Sri Madhurya Kadambini, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur is saying, before the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all of the previous Vaishnavas and Acharyas had shown the opulence of the Supreme Lord. But Chaitanya Mahaprabhu and his parikas, his associates, their speciality is they show that Bhagawan is not complete only with his opulence, he has sweetness also. That is the speciality of Sri Chaitanya Mahaprabhu's conception, showing the sweetness of Sri Krishna. Therefore, after millions and millions of kalpas, the jivas who are most fortunate have come to be flattered by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the form of Prema Bhakti. But those jivas who do not take advantage of such a flood, then really their life is completely worthless. There were some that were avoiding that mercy, but the flood of Chaitanya Mahaprabhu went everywhere, all over India. It went to Jagannath Puri and caught even Mayavadis like Sri Sarvabhauma Bhattacharya. Then it went to Kasi and drowned Sri Prakasananda Saraswati and all his thousands of disciples in this prema. Therefore, what is the description of Sri Chaitanya Mahaprabhu's prema? Of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. His mercy is like a meghmala, a very dark cloud. And his mercy and the rainfall in the form of his mercy fell on this world. And the grains of Navavida Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanavedanam. When the rain touched those grains manifested a new and ever fresh form. Therefore, Mahaprabhu's mercy is now going everywhere, just like a flood. There is no country in the world where the name of Krishna is not being taken by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. And even in India, we see in South India, in West, in Bombay side, even the North, Amritsar, Punjab, at all directions, Assam, Mahaprabhu's mercy is flooding everywhere. So Mahaprabhu, but there must have been some seed there before, but without the rain, those seeds are useless. Therefore, Mahaprabhu's mercy is there. And where there was no seed, Mahaprabhu even gave some seed. Therefore, the Mayavadis had no seed, but Mahaprabhu even gave them a seed. That seed grew by the mercy of Mahaprabhu, became a tree, and those trees produced the fruit of love of God, Krishna Prem. Therefore, Bhajana Madhya Shrestha Navavida Bhakti. Of all types of bhajan, the best is the ninefold process of devotion, beginning with Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. But even superior to these ninefold types of Vidhi Bhakti, Chaitanya Mahaprabhu gave as Nam Sadhusang, Nam Kirtan, Bhagavat Sravana, Mathura Vas, Sri Shradayam, Murkiya Sevana. Superior to the ninefold process of bhakti is the fivefold process of bhakti, beginning with Sadhusanga, associating with sadhus, Nam Kirtan, chanting the holy name,
Bhagavat Shravana, hearing the Srimad Bhagavatam, Mathura Vas, living in the holy places like Mathura Mandal, and Sri Shalyamurtiya Sevana, serving the deity with faith. And these five are so powerful. A Sakala Shrest, A Pancha Anga. Of these, these five are superior. If we just do